मुख्यमंत्री गहलोत का मिशन 2030, बीकानेर में भुजिया पापड़ कारोबारियों और युवाओं से किया संवाद, कहा आर्थिक तौर पर राजस्थान काफी आगे बढ़ा, उत्तरी राज्यों में है नंबर वन। दिल्ली में राजस्थान को लेकर भाजपा का मंथन, प्रहलाद जोशी के आवास पर हुई बैठक, वसुंधरा राजे, अर्जुन मेघवाल, बाबा बालकनाथ ने की मुलाकात, मीटिंग के बीच नड्डा से मिलने पहुंचे जोशी। झुंझुनू के बिसाऊ में मुख्यमंत्री के सामने पीसीसी चीफ का बयान, हमारी लिस्ट तैयार, नहले पर मारेंगे दहला, केंद्रीय नेताओं के भरोसे चुनाव जीतना चाहती है भाजपा। जालौर लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेस ऑब्जर्वर का बड़ा बयान, रघु देसाई ने कहा बीजेपी ने सीएम का चेहरा नहीं किया घोषित, चुनाव जीतने के बाद गहलोत ही बनेंगे मुख्यमंत्री। भारत निर्वाचन आयोग के जयपुर दौरे का दूसरा दिन, जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षकों के साथ बैठक, सभी संभागों के आयुक्त और आईजी भी रहे मौजूद, विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर की समीक्षा। प्रशासन शहरों के संग अभियान की बढ़ाई गई अवधि, 31 मार्च 2024 तक चलेगा अभियान, नगरीय विकास विभाग और स्वायत्त शासन विभाग ने जारी किए आदेश। जयपुर में युवक की पीट पीट कर हत्या का मामला, 9 लोगों को पुलिस ने किया डिटेन, मुख्यमंत्री गहलोत का सौहार्दपूर्ण फैसला, पीड़ित परिवार को 50 लाख का दिया गया मुआवजा। आरएएस प्री परीक्षा का कल होगा आयोजन, 6 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी देंगे एग्जाम, सुरक्षा को लेकर किए गए कड़े इंतजाम। में आप सभी का स्वागत है, मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंह। शाम के 7 बजने को है, शाम के 7 बजे के बुलेटिन में जिन 7 खबरों पर प्रमुखता से हमारी नजर रहेगी, उनमें सबसे पहले बात करेंगे सीएम अशोक गहलोत की सौगात की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बिसाऊ में विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। आगे आपको बताएंगे कि दिल्ली में भाजपा नेताओं की बैठकों का जो दौर जारी है उसमें आखिर चल क्या रहा है, हुआ क्या है, मंथन क्या हुआ है। वहीं अनूपगढ़ में 2 पक्षों में झड़प हो गई जिसमें हवाई फायरिंग तक की गई, ये पूरा मामला क्योंकि ज्यादा आगे बढ़ता हुआ नजर आया क्योंकि कई लोगों को डिटेन भी किया गया, आखिर खास वजह क्या रही इस विवाद की, ये भी आपको समझाएंगे। वहीं धौलपुर में रफ्तार का कहर देखने को मिला है, राजसमंद में फर्स्ट इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है, और रणथंबोर और सरिस्का में वन्य जीव प्रेमियों का इंतजार कैसे खत्म हुआ है ये भी आप जानेंगे। रविवार से कर सकेंगे जंगल सफारी कैसे आप, ये भी आपको आगे पता चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, और जो 7 बजे की प्रमुख 7 बड़ी खबरें हैं वो आपको विस्तार से आगे बताएंगे। खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए।